हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक जो है वो है थर्मोमेट्री। थर्मोमेट्री के अंदर हम क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं। थर्मोमेट्री के अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे टेम्परेचर की, कि टेम्परेचर की जो है वो क्या होता है, कैसे डिफाइन करते हैं उसको। टेम्परेचर के बाद में हम देखते हैं कि स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए स्केल जो है वो कौन कौन सी होती हैं, और उनको बनाने के लिए किस किस तरीके से हम डाटा का यूज करते हैं, या किस किस टाइप के थर्मामीटर जो हैं, स्केल्स ऑफ टेम्परेचर जो हैं वो होती हैं। तो इसके अंदर हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो बात करेंगे टेम्परेचर की, कि टेम्परेचर जो है वो क्या होता है। अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर जो है वो क्या होता है, ये एक डिग्री होती है जिसके बेसिस पर हम डिफाइन करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो कितना हॉट है और क्या कितना कोल्ड है। इसका डिफाइन करने के लिए जिस डिग्री का यूज किया जाता है उसे ही हम बोलते हैं टेम्परेचर। यानी मैं बोल सकता हूँ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी इज नॉन एज ए टेम्परेचर। यानी मैं बोल दूं इसको, टेम्परेचर इज डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। कोई भी बॉडी कितनी हॉट है या कितनी कोल्ड है उसको डिफाइन करने के लिए हम टेम्परेचर का यूज करते हैं। अब टेम्परेचर जो है अपने पास, टेम्परेचर एक फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। जैसा हमें पता ही है फिजिक्स के अंदर सात फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, तो उनमें से टेम्परेचर भी एक है। तो टेम्परेचर एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, और फंडामेंटल क्वांटिटी होने की वजह से इसका अपना अपनी एक यूनिट होती है और अपनी एक डायमेंशन होती है। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो SI सिस्टम के अंदर इसकी यूनिट होती है केल्विन। केल्विन के अंदर हम इसको मेजर करते हैं। प्रैक्टिकल यूनिट और भी कई होती हैं, जैसे हम बात करते हैं डिग्री सेल्सियस या केल्विन या रेकाइन, रियूमर, फॉरेनहाइट, ये सारी जो यूनिट्स हैं वो टेम्परेचर की है। लेकिन SI सिस्टम के अंदर जो टेम्परेचर की डिफाइन यूनिट है वो है केल्विन। अगर इसकी हम डायमेंशन की बात करेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करेंगे, तो इसकी जो डायमेंशन होती है वो होती है थीटा। यानी डायमेंशन में, डायमेंशनल फॉर्मूले के अंदर हम टेम्परेचर की जो डायमेंशन है वो थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम कब बोलेंगे कि टेम्परेचर इंक्रीज होता है या डिक्रीज हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं, टेम्परेचर इंक्रीज होना या डिक्रीज होना, वो हीट से रिलेटेड होता है। हम ये कहेंगे कि अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को आप हीट प्रोवाइड करवा रहे हो, कोई ऑब्जेक्ट है आपके पास और इस ऑब्जेक्ट को आप हीट प्रोवाइड करवा रहे हो, तो हीट प्रोवाइड करवाने पर, या फिर वो ऑब्जेक्ट जब हीट अब्जॉर्ब करता है, तो हीट अब्जॉर्ब करने पर अगर उसकी स्टेट चेंज नहीं होती, उस ऑब्जेक्ट की या उस बॉडी की स्टेट चेंज नहीं होती, तो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है। अगर आप किसी बॉडी को, किसी ऑब्जेक्ट को हीट प्रोवाइड करवाते हैं तो उस बॉडी या ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर इंक्रीज होता है। अगर हम ये बात करें कि अगर हम उस बॉडी से हीट को अब्जॉर्ब कर रहे हैं, या हीट इज टेकन फ्रॉम द बॉडी, हीट टेकन
उस ऑब्जेक्ट से हम हीट जो है वो निकाल रहे हैं, तो हीट उस ऑब्जेक्ट से वह उस बॉडी से निकालने पर बॉडी का टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो जाता है। अगर हम किसी बॉडी से हीट को निकाल रहे हैं तो बॉडी का टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, और अगर हम हीट प्रोवाइड करवा रहे हैं उस बॉडी को तो बॉडी का टेम्परेचर है इनक्रीज हो जाएगा। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, टेम्परेचर इज मेजर ऑफ एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल। अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, टेम्परेचर जो है वो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो होती है मॉलिक्यूल्स की, उसके लिए एक मेजरमेंट होता है, एक मेजर होता है। अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर जो है वो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एक मैक्रोस्कोपिक फिजिकल क्वांटिटी होती है, मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी होती है अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। और जो आपके पास ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो होती है माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी। तो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो टेम्परेचर है वो काइनेटिक एनर्जी को मेजरमेंट करने के लिए एक अच्छा तरीका होता है, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि टेम्परेचर के बेसिस पर ही हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अकॉर्डिंग किसी गैसियस मॉलिक्यूल की एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का पता लगा सकते हैं। टेम्परेचर जो है, किसी भी बॉडी की बात करें तो किसी भी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसकी कोई मैक्सिमम या मिनिमम लिमिट नहीं होती, लेकिन थ्योरेटिकली जो है जो सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर जो है वो हम अज्यूम करके चलते हैं 0 केल्विन। सबसे लो जो वैल्यू है वो हम लेके चलते हैं 0 केल्विन। थ्योरेटिकली ये हम बात कर रहे हैं। हाईएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर कितना भी हो सकता है और लोवेस्ट पॉसिबल जो टेम्परेचर है वो 0 केल्विन नहीं होता है, 0 से थोड़ा ज़्यादा होता है। लोवेस्ट पॉसिबल वैल्यू नहीं है ये, हम थ्योरेटिकली ये बोलते हैं कि सबसे लो टेम्परेचर जो है वो 0 केल्विन होता है, लेकिन ये बोलते हैं सिर्फ थ्योरेटिकली। प्रैक्टिकली इतना टेम्परेचर अभी तक किसी भी लेबोरेटरी के अंदर हमें नहीं मिला है। हाईएस्ट टेम्परेचर कितना भी हो सकता है, उसकी भी एक वैल्यू है, पॉसिबल वैल्यू। अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी की बात करें, नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो ये हमें पता ही होगा, सबको पता है ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कितना होता है। ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर हम लेके चलते हैं 37 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर मैं इसको बोल सकता हूँ 310.15 केल्विन, या फिर इसे फोरेनहाइट के अंदर लिखा जाता है 98.6 डिग्री फोरेनहाइट। अगर बात करें एनटीपी और एसटीपी की, तो कई क्वेश्चन के अंदर, कई न्यूमेरिकल्स के अंदर सीधा वो यही नाम देता है कि एनटीपी और एसटीपी। तो एनटीपी और एसटीपी अगर बोले, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर और
एसटीपी यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की अगर बात करें तो एटीपी और एसटीपी इम्प्लाइज 273.15 केल्विन और 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 32 डिग्री फॉरेनहाइट। ये वैल्यू आपको ध्यान में रखनी है। नॉर्मल टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी का ये है आपके पास एनटीपी, और एसटीपी पर जो टेम्परेचर की वैल्यू है वो होती है 273.15 केल्विन या 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 32 डिग्री फॉरेनहाइट। नेक्स्ट है हमारे पास स्केल ऑफ टेम्परेचर। स्केल ऑफ टेम्परेचर यानी टेम्परेचर को हम कौन कौन सी स्केल से मेजर कर सकते हैं। जैसे स्केल्स की बात करें तो डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो भी एक सेल्सियस स्केल ही होती है जिस पर हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। ऐसे ही कई सारी स्केल्स होती हैं जिन पर टेम्परेचर को मेजर किया जाता है, लेकिन यहाँ पर हम केवल इम्पोर्टेंट जो है अपने पास वही स्केल्स का डिस्कशन करेंगे। और उससे पहले ये देखते हैं कि स्केल को कैसे बनाया जाता है जिससे वो टेम्परेचर को मेजर कर सके। टू कंस्ट्रक्ट ए स्केल ऑफ टेम्परेचर टू फिक्स्ड पॉइंट टू फिक्स्ड पॉइंट्स आर टेकन। टू फिक्स्ड पॉइंट्स का मीनिंग क्या है? कोई भी अगर आपको टेम्परेचर की स्केल बनानी है तो उसके लिए दो फिक्स्ड पॉइंट लिए जाते हैं। दो फिक्स्ड पॉइंट कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट फिक्स्ड पॉइंट होता है जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। और जो ये फर्स्ट फ्रीजिंग पॉइंट होता, फर्स्ट फिक्स्ड पॉइंट होता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, इसको बोला जाता है लोअर फिक्स्ड पॉइंट, लोअर फिक्स्ड पॉइंट, या फिर शॉर्ट के अंदर हम इसके लिखते हैं LFP, लोअर फिक्स्ड पॉइंट। जो सेकंड फिक्स्ड पॉइंट होता है सेकंड फिक्स्ड पॉइंट, ये लिया जाएगा वाटर का बॉइलिंग पॉइंट यानी वो टेम्परेचर जिस पर वाटर वेपर के अंदर कन्वर्ट होता है वो, यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो फर्स्ट फिक्स्ड पॉइंट जो है वो तो है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और सेकंड जो फिक्स्ड पॉइंट है वो होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। और इस सेकंड फिक्स्ड पॉइंट को हम बोलते हैं अपर फिक्स्ड पॉइंट, और शॉर्ट के अंदर हम इसे लिखते हैं UFP। तो एक तो हो गया अपने पास लोअर फिक्स्ड पॉइंट और दूसरा अपने पास हो गया अपर फिक्स्ड पॉइंट यानी UFP। अब कौन कौन सी स्केल्स होती हैं? तो हमने जैसे मैंने बताया कि बहुत सारी स्केल्स होती हैं, लेकिन हम कुछ इम्पोर्टेंट जो स्केल्स हैं केवल उन्हीं को पढ़ेंगे। तो इम्पोर्टेंट स्केल कौन कौन सी होती हैं? फर्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट स्केल होती है सेल्सियस स्केल, सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल के लिए जो सिंबल होता है इसका वो होता है डिग्री सेंटीग्रेड, और ये तो प्रैक्टिकल यूनिट है तो हम सबको पता ही है सिंबल जो होता है वो होता है डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इसके लिए मैं लोअर फिक्स्ड पॉइंट की बात करूं,
इस सेल्सियस स्केल के अंदर, तो लोअर फिक्स्ड पॉइंट होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और वो इस स्केल पर आता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यानी वो टेम्परेचर जिस पर वाटर जो है वो आइस के अंदर चेंज हो जाता है, वो इसका LFP है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर UFP की बात करें तो UFP यानी अपर फिक्स्ड पॉइंट जो है वो इसके लिए होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम बात करें कि इस स्केल के अंदर कितने डिवीजन होते हैं जिनमें ये स्केल बंटी हुई होती है, तो 0 to 100 यानी 100 डिवीजन जो है वो इस स्केल के अंदर सेल्सियस स्केल में होते हैं। अगर दूसरी स्केल की हम बात करें तो दूसरी स्केल जो है वो होती है फॉरेनहाइट, फॉरेनहाइट स्केल जो है इसके अंदर सिंबल जो होता है इसका वो होता है डिग्री फॉरेनहाइट। LFP जो होता है इस स्केल का वो होता है 32 डिग्री फॉरेनहाइट। UFP की वैल्यू यानी अपर फिक्स्ड पॉइंट की वैल्यू इसके लिए होती है 212 डिग्री फॉरेनहाइट। और इस स्केल के अंदर डिवीजन अगर हमें देखने हैं तो 212 माइनस 32 करके देखेंगे तो इसके अंदर डिवीजन जो होते हैं वो होते हैं 180। थर्ड जो अपने पास स्केल है वो होती है र्यूमर, र्यूमर स्केल। र्यूमर स्केल का जो सिंबल होता है वो होता है डिग्री आर यानी डिग्री र्यूमर। इसके लिए LFP की वैल्यू जो है वो सेल्सियस स्केल के सेम ही होती है 0 डिग्री आर, लेकिन UFP की वैल्यू जो है वो डिग्री सेल्सियस के सेम नहीं होती, वो होती है 80 डिग्री रियूमर। अगर डिवीजन की बात करेंगे तो UFP माइनस LFP करेंगे तो डिवीजन जो है नंबर ऑफ डिवीजन वो आएंगे अपने पास 80। नेक्स्ट अगर हम बात करें फोर्थ की तो फोर्थ अपने पास स्केल होती है रेनकाइन स्केल। रेनकाइन स्केल जो है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है RA से, इसका जो सिंबल होता है वो होता है RA। इसके लिए LFP की वैल्यू होती है 460 RA और UFP की वैल्यू जो है वो होती है 672 RA। अगर नंबर ऑफ डिवीजन की बात करें इस स्केल के अंदर तो UFP माइनस LFP करेंगे तो 212 स्केल में डिवीजन होते हैं। अगर नेक्स्ट कि हम बात करें तो ये अपने पास SI सिस्टम के अंदर स्केल होती है, SI सिस्टम के अंदर स्केल है अपने पास केल्विन। तो केल्विन स्केल जो है उसी के अंदर सारी की सारी कैलकुलेशंस टेम्परेचर की हम करते हैं। केल्विन स्केल इसके लिए सिंबल जो होता है वो होता है K। इसके लिए LFP पॉइंट जो है वो होता है 273.15 केल्विन, और UFP की जो वैल्यू है अपर फिक्स्ड पॉइंट की वैल्यू वो होती है 373.15 केल्विन। अगर नंबर ऑफ डिवीजन की बात करेंगे तो नंबर ऑफ डिवीजन इसके अंदर होते हैं 100। अब देखो इनसे हमें ये पता चलता है कि सेल्सियस स्केल के लिए LFP और र्यूमर स्केल के लिए LFP दोनों की वैल्यू इक्वल होती है। अगर नंबर ऑफ डिवीजन की बात करेंगे तो सेल्सियस स्केल के अंदर नंबर ऑफ डिवीजन और केल्विन स्केल के अंदर नंबर ऑफ डिवीजन जो है वो सेम है होते हैं। अब ये नंबर ऑफ डिवीजन जो है इनको अगर हम एक डायग्राम से समझना चाहें तो नंबर ऑफ डिवीजन का मीनिंग क्या हो गया, जैसे आपके पास कोई एक टेम्परेचर स्केल है, मैंने एक थर्मामीटर बना लिया है यहाँ पर। अब अगर ये थर्मामीटर जो है वो डिग्री सेल्सियस के अंदर टेम्परेचर को मेजर करता है तो ये थर्मामीटर कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है, वो पार्ट्स जो हैं वो बोले जाते हैं डिवीजन। जैसे सेल्सियस स्केल की बात करें तो सेल्सियस स्केल का जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो अपर फिक्स्ड पॉइंट यानी जो सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर है जिस थर्मामीटर के अंदर हम यूज कर सकते हैं वो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 0 to 100 ये पूरा का पूरा थर्मामीटर जितने पार्ट्स में डिवाइड होकर रखता है वो बोली जाती है डिवीजन। इसी तरीके से फॉरेनहाइट स्केल की बात करें तो नंबर ऑफ डिवाइडेशन जो है वो है 180, ऐसे ही र्यूमर के अंदर है 80, और रेंकाइन सिस्टम स्केल जो है उसके अंदर है 212 और केल्विन के अंदर है 100। अब अगर
हमें इन स्केल्स की रीडिंग का आपस के अंदर कुछ रिलेशन निकालना हो, जैसे सेल्सियस स्केल के अंदर कोई रीडिंग अपने पास है और उसको हमें फोरेनहाइट के अंदर चेंज करना हो, या रियूमर के अंदर कोई है उसे आपको सेल्सियस में चेंज करना हो, केल्विन के अंदर चेंज करना हो, तो इसके लिए हम इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको काम में लेते हैं। बेसिक जो कॉन्सेप्ट है इसका, उसके तहत हम एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे, क्या है वो, कि रीडिंग ऑन एनी स्केल, रीडिंग ऑन एनी स्केल माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट अपॉन अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट इज इक्वल टू कांस्टेंट। यानी कोई भी स्केल हो उसके लिए ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है। यानी जब आपको एक स्केल की रीडिंग का रिलेशन दूसरी स्केल की रीडिंग के साथ लिखना हो, तो ये वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला जो अपने पास बेसिक फॉर्मूला है, ये बहुत काम में आता है। कैसे काम में आएगा, जैसे आपको सेल्सियस स्केल और इनके अंदर रिलेशन निकालना है, तो हम सारी की सारी स्केल्स के लिए ये वैल्यू जो है, ये फॉर्मूला जो है वो यूज करते हैं। कैसे यूज करेंगे, मैं लिखता हूँ, अगर मैं सेल्सियस स्केल की बात करूँ तो सेल्सियस स्केल पर मैं टेम्परेचर एज्यूम कर लेता हूँ सी। इसी तरीके से फॉरेनहाइट के लिए एफ एज्यूम कर लेते हैं, रियूमर के लिए आर, रेंकाइन के लिए आर ए और केल्विन के लिए के एज्यूम करके चलते हैं। तो सेल्सियस स्केल के लिए मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, तो सेल्सियस स्केल पर मैं रीडिंग को अपने एज्यूम कर रहा हूँ सी, तो मैंने लिख लिया सी माइनस एल एफ पी की वैल्यू। लोअर फिक्स्ड पॉइंट सेल्सियस स्केल का कहाँ पर होता है, तो लोअर फिक्स्ड पॉइंट होता है जीरो पर, तो मैंने लिख दिया जीरो। अपॉन में यू एफ पी की वैल्यू सेल्सियस स्केल पर होती है 100, तो 100 माइनस एल एफ पी की वैल्यू जीरो, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 100 माइनस जीरो। ये वैल्यू सब की सब स्केल्स के लिए कांस्टेंट होती है, यानी ये वैल्यू सेल्सियस स्केल की, फॉरेनहाइट स्केल की, रियूमर की, रेंकाइन की और केल्विन की सब इक्वल होंगी। इसी तरीके से अगर मैं फॉरेनहाइट की बात करूँ, तो मैं फॉरेनहाइट पर रीडिंग एक बार एज्यूम कर लेता हूँ एफ माइनस एल एफ पी। फॉरेनहाइट स्केल पर एल एफ पी की वैल्यू जो होती है वो होती है 32 अपॉन यू एफ पी। यू एफ पी की वैल्यू है 212 अब माइनस 32। 212 माइनस 32 कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ डिवीजन के इक्वल आएगा, 180 के इक्वल, इज इक्वल टू। रियूमर की बात करें तो रियूमर के लिए मैं आर एज्यूम कर लेता हूँ उसकी रीडिंग, माइनस एल एफ पी उसका, रियूमर के लिए एल एफ पी है जीरो अपॉन में 80, यानी यू एफ पी माइनस एल एफ पी करना है, तो 80 माइनस जीरो, 80 माइनस जीरो कितना आ जाएगा आपके पास, 80 इज इक्वल टू। रेंकाइन की बात करें तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ रीडिंग आर ए माइनस एल एफ पी की वैल्यू, रेंकाइन के लिए एल एफ पी की वैल्यू है 460, 460 अपॉन में यू एफ पी माइनस एल एफ पी, 672 माइनस 460 इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिवीजन 212 इज इक्वल टू। केल्विन की बात करें तो केल्विन पर रीडिंग हम एज्यूम कर लेते हैं के माइनस एल एफ पी की वैल्यू है केल्विन पर 273.15 अपॉन में यू एफ पी माइनस एल एफ पी करेंगे, तो नंबर ऑफ डिवीजन के इक्वल आएगा, कितना है नंबर ऑफ डिवीजन, 100 नंबर ऑफ डिवीजन है। तो ये जो अपने पास इक्वेशन है इसके थ्रू हम किसी में भी रिलेशन है पता लगा सकते हैं। डिग्री सेंटीग्रेड फॉरेनहाइट में रिलेशन बनाना हो तो इन दोनों को ले लेते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन में रिलेशन बनाना हो तो इन दोनों को ले लेंगे, अगर रेकाइन और रियूमर के अंदर रिलेशन बनाना है तो हम इन दोनों पार्ट्स को काम में ले लेंगे। यानी किन्हीं भी दो स्केल्स की रीडिंग के बीच में हम रिलेशन बना सकते हैं। ये वाली जो है अपने पास, ये हमेशा आपको ध्यान में रखनी है, और ये ध्यान में ना रखे तो एल एफ पी और यू एफ पी जो होता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, दोनों की वैल्यू जो है वो अलग अलग स्केल्स पर आपको पता होनी चाहिए। ज़्यादातर यूज में जो आते हैं वो अपने पास आते हैं सेल्सियस, फॉरेनहाइट और केल्विन, तो इनके लिए तो एल एफ पी और यू एफ पी की वैल्यू आपको पता होनी ही चाहिए। अगर हम
केवल सेल्सियस और फोरेनहाइट के अंदर रिलेशन बनाना चाहें तो सेल्सियस और फोरेनहाइट में रिलेशन लिखना चाहें तो मैं इसी को आगे कर लेता हूं। देखो सेल्सियस और फोरेनहाइट में क्या रिलेशन आएगा अपने पास, सी अपॉन 100 इज इक्वल टू, यहाँ पर आया एफ माइनस 32 अपॉन में 180। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 5 2 से कैंसिल आउट करूँगा तो 5, ये आ जाएगा 9। तो अपने पास रिलेशन आ गया सी इज इक्वल टू 5 अपॉन 9 एफ माइनस 32। यानी अगर आपको वैल्यू गिवन है फोरेनहाइट की टर्म में और आपको वैल्यू निकालनी है डिग्री सेंटीग्रेड के टर्म में, तो सी इज इक्वल टू 5/9 एफ माइनस 32 से आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर आपको डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन के अंदर रिलेशन चाहिए तो डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन के अंदर क्या रिलेशन मिल जाएगा, तो मैं इसको और इस वाले को यूज करता हूँ। क्या आएगा देखो, सी अपॉन 100 इज इक्वल टू के माइनस 273.15 अपॉन में 100। 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, क्या रिलेशन आया, सी इज इक्वल टू के माइनस 273.15। के को इधर रख लेते हैं, इसको इधर ले जाएं तो के यानी केल्विन के अंदर जो रीडिंग है वो होगी डिग्री सेंटीग्रेड में रीडिंग प्लस 273.15। तो अगर आपको डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर कोई टेम्परेचर की वैल्यू गिवन है और आपको केल्विन में पता लगानी है तो ये रिलेशन आपके काम में आ जाएगा। तो कोई भी दो स्केल हो उनमें अगर रिलेशन आपको पता करना हो तो आपको रीडिंग ऑन एनी स्केल माइनस LFP अपॉन UFP माइनस LFP और नंबर ऑफ डिवीजन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट को सारी स्केल्स के लिए इक्वल कर देना है। अब इनमें से एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है और उसकी वजह से कई अपने पास क्वेश्चन गलत भी होते हैं, क्या इम्पोर्टेंट बात है वो, कि डिग्री सेल्सियस जो स्केल है और जो केल्विन स्केल है उनमें नंबर ऑफ डिवीजन जो है वो सेम है, और नंबर ऑफ डिवीजन सेम होने की वजह से जो टेम्परेचर डिफरेंस डिग्री सेंटीग्रेड में होता है वही टेम्परेचर डिफरेंस होता है केल्विन स्केल के अंदर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम समझे तो जैसे आपके पास कोई भी दो टेम्परेचर है, एक टेम्परेचर है T1 डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरा टेम्परेचर है T2 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर मैं केल्विन के अंदर बात करूं तो मैं लिख लेता हूं T1 डिग्री सेंटीग्रेड को जब मैं केल्विन में चेंज करता हूं तो वो होता है K1 केल्विन एंड K2 केल्विन। तो यहां से देखो कि नंबर ऑफ डिवीजन सेम होने की वजह से जो इन टेम्परेचर का डिफरेंस है डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर वही डिफरेंस आएगा टेम्परेचर का केल्विन के अंदर। यानी डिफरेंस जो रहेगा डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर्स में और केल्विन टेम्परेचर्स में वो हमेशा सेम रहेगा। जैसे अगर किसी के अंदर हमें पता चला कि कोई टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज हो रहा है, यानी उसके अंदर जो चेंज है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ये चेंज 10 डिग्री सेंटीग्रेड 10 केल्विन के भी इक्वल होगा। मैं डायरेक्ट नहीं इक्वल बोल रहा हूँ कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड का मीनिंग है 10 केल्विन, मैं बात कर रहा हूँ डिफरेंस की, कि जो चेंज इन टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर 10 है वही चेंज इन टेम्परेचर केल्विन के अंदर भी कितना होगा, 10 होगा। तो ये चेंज इन टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। अगर आपको केवल टेम्परेचर को चेंज करना है तो केवल टेम्परेचर इस वाली इक्वेशन के अकॉर्डिंग चेंजे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम की, कि थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, थर्मल इक्विलिब्रियम कि कोई भी दो बॉडीज हैं वो थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर कब होगी, जब एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक कोई हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है। यानी मैं अगर बोलूं कि ये आपके पास कोई एक बॉडी है, कोई एक ऑब्जेक्ट है, और दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो है आपके पास यहाँ पर, ठीक है। अगर इस ऑब्जेक्ट से कोई हीट का फ्लो दूसरे ऑब्जेक्ट तक नहीं हो रहा है,
यानी हीट का फ्लो अगर नहीं हो रहा है, इस वाली से कोई हीट का फ्लो इस वाले में नहीं हो रहा है, तो ये दोनों जो बॉडीज हैं ए एंड बी, ये दोनों बॉडीज जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर है होंगी। अब इसके लिए अगर हम लिखना चाहें तो मैं बोल सकता हूँ कि टू बॉडीज आर सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर व्हेन नो हीट फ्लोज फ्रॉम वन बॉडी टू अदर, वन बॉडी टू अदर। और ये कब होगा? कोई भी हीट फ्लो कब नहीं हो, कब होगी? हीट फ्लो कब होती है? जब टेम्परेचर डिफरेंस होता है। अगर मैं इसका टेम्परेचर टी ए एज्यूम करूं, इसका टेम्परेचर टी बी एज्यूम करूं, तो अगर टी ए इक्वल टू टी बी होगा, दोनों टेम्परेचर इक्वल होंगे, तो हम बोलेंगे कि ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। अगर दोनों का टेम्परेचर सेम है तो हम बोलेंगे कि ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, क्योंकि टेम्परेचर अगर सेम है तो इसका मीनिंग है कि कोई भी हीट का फ्लो इनमें नहीं होगा। अगर टेम्परेचर में कुछ डिफरेंस है, मैं बोल दूं टी ए ग्रेटर देन टी बी या टी बी ग्रेटर देन टी ए, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर ए एंड बी आर नॉट इन थर्मल इक्विलिब्रियम, नॉट इन थर्मल इक्विलिब्रियम, यानी जब दोनों का टेम्परेचर सेम है तो कोई हीट फ्लो नहीं होती, और जब दोनों के टेम्परेचर में कुछ डिफरेंस है तो हीट फ्लो होती है। तो इसे हमें ध्यान रखना है टेम्परेचर के बेसिस पर। चलिए नेक्स्ट जो अपने पास है वो अपना टॉपिक का पूरा नाम ही है, वही है पूरा कंप्लीट। नेक्स्ट हम चलते हैं अब थर्मोमेट्री पर। थर्मोमेट्री, टेम्परेचर को, थर्मल इक्विलिब्रियम को जानने के बाद में थर्मोमेट्री जो है वो समझना आसान हो जाता है। थर्मोमेट्री होती क्या है? यह है एक ब्रांच है फिजिक्स की, या साइंस की बोल सकता हूँ, साइंस की एक ब्रांच है, जो किसी भी सब्सटेंस के टेम्परेचर को मेजरमेंट कैसे करते हैं उसके साथ डील करती है। तो हम बोल सकते हैं इट इज़ ए ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस। अब इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो देखनी होंगी, तो हम बारी बारी से सारी चीज़ों को पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे क्या क्या होता है थर्मोमेट्री के अंदर। कि थर्मोमेट्री के अंदर हम ये देखते हैं कि टेम्परेचर जो है वो कौन सी क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है। टेम्परेचर
टेम्परेचर जो है वो कौन सी क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है, और उस क्वांटिटी को हम लेकर थर्मामीटर बना सकते हैं। क्योंकि टेम्परेचर जिस क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है उसी क्वांटिटी का यूज कर कर हम थर्मामीटर बनाएं, तो थर्मामीटर जो है वो टेम्परेचर को एग्जैक्ट शो कर सकता है। तो सबसे पहली बात तो यही है, इसके अंदर इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है थर्मोमेट्री का वो भी यही होता है। मैं अगर लिखना चाहूँ, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ थर्मोमेट्री, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ थर्मोमेट्री क्या होता है कि आपको कोई ऐसी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज देखनी है जिनके साथ टेम्परेचर जो है वो इफेक्ट होता हो, यानी लीनियर वेरिएशन ऑफ, लीनियर वेरिएशन ऑफ सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए सब्सटेंस विथ चेंज इन टेम्परेचर, विथ चेंज इन टेम्परेचर एंड दीज प्रॉपर्टीज आर डिफाइंड एज थर्मोमेट्रिक, डिफाइंड एज थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। इनको जो बोला जाता है वो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी बोला जाता है और डिनोट किया जाता है एक्स से, ऑफ द सब्सटेंस, ऑफ द सब्सटेंस। यानी थर्मोमेट्री का बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि आपको कोई ऐसी क्वांटिटी देखनी है उस सब्सटेंस की जो टेम्परेचर पर लीनियरली डिपेंड करती है, और वो जो प्रॉपर्टी है उसको बोला जाता है थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी और डिनोट किया जाता है एक्स से। अब थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी जो है वो कोई भी हो सकती है जो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। जैसे अगर हम बात करें कि थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी की बात करें तो जैसे क्या हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, प्रेशर ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्यों लिया ये? अगर प्रेशर जो है वो हम थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी ले रहे हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पर, तो अगर मैं वॉल्यूम को कांस्टेंट रखता हूँ तो वॉल्यूम को कांस्टेंट रखने पर आइडियल गैस इक्वेशंस में हमें पता है कि अगर मैं वॉल्यूम को कांस्टेंट रख देता हूँ तो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है टेम्परेचर के, यानी पी जो है वो टी के साथ लीनियर वेरिएशन शो करता है, तो प्रेशर जो है वो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी बन सकती है। सेकेंड जो है मैं लिख सकता हूँ, वॉल्यूम ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो आइडियल गैस इक्वेशन के अंदर हम क्या लिख सकते हैं, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, टी का, तो ये जो वी है वो भी लीनियर वेरिएशन शो करता है टेम्परेचर के साथ। तो प्रेशर और वॉल्यूम
प्रेशर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर, दोनों ही थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी की तरह बिहेव कर सकते हैं। अगर हम और देखें एग्जांपल, तो थर्ड अगर हम देखें तो वो हो सकता है रेजिस्टेंस ऑफ ए प्लेटिनम वायर, रेजिस्टेंस ऑफ ए प्लेटिनम वायर। रेजिस्टेंस जो होता है प्लेट वायर का, वो टेम्परेचर पर लीनियरली डिपेंड करता है। ये हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से डिपेंड करता है, लेकिन लीनियरली डिपेंड करता है। इसी वजह से रेजिस्टेंस जो है वो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी हो सकती है। अगर हम नेक्स्ट और देखें फोर्थ, तो हो सकता है लेंथ ऑफ लिक्विड इन कैपिलरली ट्यूब। जो बेसिक थर्मामीटर है, लिक्विड थर्मामीटर ही होते हैं, और उनके अंदर लिक्विड की जो लेंथ है, या मैं बोल सकता हूँ लिक्विड की जो हाइट है, वो भी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है लीनियरली। और इसी वजह से जो लेंथ है या जो हाइट है, वो भी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी हो सकती है। अब थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी के बेसिस पर हम थर्मामीटर बनाएं, तो उसके लिए अपने पास दो थ्योरीज हैं। एक तो ओल्ड थर्मोमेट्री की थ्योरी है, और दूसरी है मॉडर्न थर्मोमेट्री की थ्योरी, कि किस तरीके से थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी का यूज करके हम थर्मामीटर बना सकते हैं। तो उसके लिए दो थ्योरी, ओल्ड थर्मोमेट्री की थ्योरी और मॉडर्न थर्मोमेट्री की थ्योरी। अब दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है वो देखते हैं। अगर हम बात करें ओल्ड थर्मोमेट्री की, तो देखिए ओल्ड थर्मोमेट्री के अंदर किस तरीके से थर्मोमीटर बनाने के लिए कौन कौन से पॉइंट लिए जाते थे। ओल्ड थर्मोमेट्री के अंदर दो पॉइंट्स लिए जाते थे, दो पॉइंट्स। एक तो पॉइंट्स हो गया फ्रीजिंग पॉइंट, जो हमने पहले ही पढ़ा था वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट। और फ्रीजिंग पॉइंट जो है उसका टेम्परेचर कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरा जो लिया जाता था वो लिया जाता था बॉइलिंग पॉइंट, या फिर मैं बोल सकता हूँ स्टीम पॉइंट। स्टीम पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये दो जो हैं वो टेम्परेचर, दो पॉइंट्स यहाँ पर लिए जाते हैं। ये आ गया आपका LFP, और ये आ गया आपका UFP, अपर फिक्स्ड पॉइंट। अब टेम्परेचर स्केल को डिफाइन इन दोनों पॉइंट से कर दिया। अब हम क्या कहते हैं कि इससे टेम्परेचर पता कैसे लगाएं, अननोन टेम्परेचर कैसे पता लगाएं। तो इफ द थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, इफ द थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड टी डिग्री सेंटीग्रेड आर रेस्पेक्टिवली X100 एंड XT, देन। अब देखिए थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर X0 है, X0 है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर X100 है, और अगर T डिग्री सेंटीग्रेड पर XT है। तो ये जो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है वो टेम्परेचर के साथ लीनियर वेरिएशन शो करती है। अब लीनियर वेरिएशन शो करती है, तो हमने जब स्केल पढ़ी थी, स्केल के अंदर हमने एक बेसिक फॉर्मूला लिखा था, कि वो बेसिक फॉर्मूला जो है वो काम में अपने आता है। बेसिक फॉर्मूला क्या था, कि
बेसिक फॉर्मूला अपने पास था कि रीडिंग ऑन एनी स्केल माइनस LFP अपॉन UFP माइनस LFP इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और इसी फॉर्मूले का यूज करते हुए हमें यहाँ पर ये इसके अंदर रिलेशन बनाना है कि ओल्ड थर्मोमेट्री के अकॉर्डिंग हम अननोन टेम्परेचर जो है आपके पास टी डिग्री सेंटीग्रेड, इसकी वैल्यू कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो हमें ये वैल्यू कांस्टेंट रखनी है, तो इसको कांस्टेंट रखने के लिए हम बोलते हैं रीडिंग ऑन एनी स्केल हमने ले लिया कि टी टेम्परेचर है, जो अननोन टेम्परेचर है वो। सेल्सियस स्केल पर हमें LFP पता होता है 0 अपॉन UFP माइनस LFP, तो 100 माइनस 0 इज इक्वल टू। अब ये जो टेम्परेचर है वो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी के साथ भी लीनियर रिलेशन में है, और लीनियर रिलेशन में होने की वजह से जो टेम्परेचर का रिलेशन है वही इसका रिलेशन भी बन जाएगा एक्स का। तो मैं यही फॉर्मूला जो है वो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी के लिए अप्लाई करता हूँ। मैं ये लिखता हूँ रीडिंग ऑन एनी स्केल, यानी जो अननोन टेम्परेचर टी है उस टी टेम्परेचर पर थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है। तो एक्स टी जो है वो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी की वैल्यू है, एक्स टी माइनस 0 पर थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है, एक्स नॉट या एक्स 0 अपॉन में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो गई, एक्स 100 माइनस में टी टेम्परेचर पर कितनी हो गई अपने पास, टी टेम्परेचर पर जो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी की वैल्यू है, सॉरी टी टेम्परेचर नहीं, 0 पर कितनी हो गई अपने पास, 0 है यहाँ पर, तो 0 पर कितनी है एक्स 0। तो यहाँ पर अपने पास जो रिलेशन है टेम्परेचर और थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी में वो मिल जाता है। अब हमें तो अननोन टेम्परेचर टी की वैल्यू पता करनी है, तो टी को अगर इधर रखते हुए इसको इधर ले जाएं तो अपने पास बन जाएगा एक्स टी माइनस एक्स 0 अपॉन में एक्स 100 माइनस एक्स 0 मल्टीप्लाइड बाई 100। यानी अगर आपको अननोन टेम्परेचर पर थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी की वैल्यू पता है, तो उस थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हम टेम्परेचर की वैल्यू पता लगा सकते हैं। ये था अपने पास ओल्ड कंसेप्ट या ओल्ड थर्मोमेट्री का कॉन्सेप्ट, उसके बेसिस पर टेम्परेचर की वैल्यू या टेम्परेचर स्केल जो है वो बनाए जाते थे। अब अगर हम मॉडर्न की बात करें, मॉडर्न थर्मोमेट्री के अंदर किस तरीके से थर्मामीटर बनाया जाता है, किस तरीके से पॉइंट लिए जाते हैं, तो मॉडर्न थर्मोमेट्री जो है उसके अंदर डिफरेंस जो आ जाता है वो इन पॉइंट्स का ही आ जाता है जो हम LFP UFP लेते हैं वो। इसके अंदर भी उसी की तरह दो फिक्स्ड पॉइंट होते हैं। दो फिक्स्ड पॉइंट कौन से, एक तो होता है, दो फिक्स्ड पॉइंट होते हैं, दो फिक्स्ड पॉइंट में से एक तो हो गया आपके पास ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है, ये होता है 273.16 केल्विन। और जो दूसरा पॉइंट होता है वो दूसरा पॉइंट लिया जाता है, सेकंड जो पॉइंट है वो लिया जाता है एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट जीरो लिया जाता है, एब्सोल्यूट जीरो केल्विन है टेम्परेचर। अब जीरो केल्विन टेम्परेचर यहाँ पर लेने का क्या फ़ायदा हो गया अपने को, कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर जो है, जीरो केल्विन टेम्परेचर जो है, इस पर थर्मोमेट्रिक जो प्रॉपर्टी है, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी चाहे वो कोई सी भी प्रॉपर्टी हो, उस थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो मिलती है हमें जीरो। एब्सोल्यूट जीरो केल्विन टेम्परेचर पर थर्मोमेट्रिक जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू मिलती है हमें जीरो। अब इस चीज़ का क्या फ़ायदा हो गया कि यहाँ पर जो एक्स जीरो आ रहा था वो नहीं आएगा, और जो कैलकुलेशन है वो बन जाएगी सिंपल। अब ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का यूज करते हुए अगर हम देखें तो हम वही बात यहाँ पर लिख देंगे कि इफ़ द वैल्यू ऑफ
द वैल्यू ऑफ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी एट 0 केल्विन, 273.16 केल्विन एंड टी केल्विन आर रेस्पेक्टिवली जीरो केल्विन पर तो कितनी हो जाएगी, जीरो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी की वैल्यू, 273.16 केल्विन पर थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी की वैल्यू हम लिख लेते हैं एस टी टी फोर ट्रिपल पॉइंट, और अननोन जो आपके पास टेम्परेचर है टी केल्विन उस पर थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी की वैल्यू हमने लिख ली एक्स। देन क्या बन जाएगा, वही अपने पास यही फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले का यूज करते हुए अगर हम लिखें तो क्या आएगा, देखिए टी अपॉन में 100 इज इक्वल टू, ये यहाँ पर आ गया आपके पास एक्स टी टेम्परेचर पर माइनस 0 अपॉन में एक्स 100 था, अपने पास यहाँ पर क्या है एक्स ट्रिपल पॉइंट, एक्स ट्रिपल पॉइंट, इसको हमने केवल एक्स से लिखा है, टी टेम्परेचर पर जो है वो ये है आपके पास ट्रिपल पॉइंट, तो एक्स टी आ गया माइनस 0 हो जाएगा, यहाँ से अगर हम टी टेम्परेचर की वैल्यू निकालें तो वो वैल्यू आ जाएगी एक्स अपॉन एक्स ट्रिपल पॉइंट पर मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये मॉडर्न थर्मोमेट्री का कॉन्सेप्ट है जिसके बेसिस पर हम लोग थर्मोमीटर बनाते हैं, ये ओल्ड थर्मोमेट्री का कॉन्सेप्ट था, ये न्यू थर्मोमेट्री का कॉन्सेप्ट है आपके पास यहाँ पर, तो देखिए क्या चेंज हो गया, अब ये जो है यहाँ पर वो है 100, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 100 ये अपन ने लिखा था 100 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर, और ये जो हम थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी की वैल्यूज ले रहे हैं वो ले रहे हैं केल्विन के रेस्पेक्ट में, तो अगर मैं इसको केल्विन के रेस्पेक्ट में लिखना चाहूँ तो मैं केल्विन के रेस्पेक्ट में इसे क्या लिखूँगा, ये तो आएगा डिग्री सेंटीग्रेड की टर्म में, अगर मैं केल्विन की टर्म में लिखूँ तो टी केल्विन इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स अपॉन एक्स ट्रिपल पॉइंट पर मल्टीप्लाइड बाई 273.16 केल्विन, तो ये आ जाएगी आपके पास केल्विन की टर्म में, ज़्यादातर हम इसका यूज करते हैं, इसका यूज नहीं करते हैं।